Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to learn how to make QR code. Suppose आपको कोई भी वेबसाइट लिंक का या कोई मोबाइल नंबर का, किसी इवेंट्स का, बर्थडे मैसेजेस का या मेल का QR code जनरेट करना. जैसे कोई भी एक वेबसाइट लिंक है, सपोज आपका यूट्यूब चैनल का लिंक है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका कोई बर्थडे पार्टी या बर्थडे विशेष है ना, या आपका मेल है, आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं QR code, मीन्स कि आप अपने फ्रेंड को QR कोड भेज दोगे और वो QR कोड के हेल्प से जैसे ही वो इसको स्कैन करेगा, आपका जो भी वेबसाइट लिंक होगा या मोबाइल नंबर होगा इनकोडेड, या इवेंट्स होगा या बर्थडे मैसेज होगा या मेल होगा, वो झट से उसके मोबाइल पे शो ऑफ कर जाएगा, शो आउट कर देगा, तुरंत डिस्प्ले होगा. तो इसको करने के लिए कुछ करना नहीं, बस थोड़ा सा एक टेक्निक है जिसको हम लोग को अपनाना है. दिस इज़ यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ, और टेक्निकली हम लोग सीखेंगे आज QR कोड बनाना. चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने गूगल क्रोम को खोलना है, और इस गूगल क्रोम में खोलने के बाद गूगल सर्च में आपको लिखना है goqr.me. ठीक है, इसको लिखते ही आपको क्या कर देना है, इंटर कर देना है. जैसे ही आप इंटर करोगे, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा कुछ ऑप्शन QR कोड जनरेटर का. यहाँ देखिए सबसे पहला टाइप आपको क्या, वेबसाइट का लिंक बनाना है QR कोड के फॉर्म में, या मैसेज देना है, या फिर आपको विजिटिंग कार्ड के लिए QR कोड, जैसे आपका विजिटिंग कार्ड है तो उसमें आप QR कोड लगा दो, उसमें नेम एड्रेस सारा कुछ आ जाएगा आपका QR कोड से. उसी तरह देखिए यहाँ पे इमोजीज, मैसेजेस वगैरह, SMS अगर आपको भेजना है QR कोड के फॉर्म में, या आपको फ़ोन नंबर भेजना है तो आप QR कोड इसे बना सकते हो. इसमें आप लोकेशन दे सकते हो अपना QR कोड के फॉर्म में. यहाँ पे आप इवेंट्स है कोई आपका, मतलब मैरिज एनिवर्सरी है या कोई फंक्शंस है घर पे, तो उसके रिलेटेड QR कोड बना सकते हो. ईमेल के लिए आप QR कोड बना सकते हो. अपने वाईफाई का पासवर्ड आप नहीं बताना चाहते, QR कोड भेज दो, वो स्कैन करेगा बंदा और आपका नेट को एसेस कर लेगा. तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एक एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि QR कोड के लिए सबसे पहले कि कैसे स्कैनिंग होगा. ठीक है, तो कैसे किस तरह से हम लोग एक मेरे पास बनाया हुआ है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं. देखिए थोड़ा सा देखना है, देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए सर्च करके करना है. ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्च का सर्च बाय इमेज दिया है, तो इस पर आप एक बार क्लिक करना. पहले हम लोग एक बना हुआ है उसको देखते हैं, अपलोड अ फाइल बोल रहा है, तो अपलोड अ फाइल में हम लोग जाएंगे. ठीक है, एक बार हम लोग सर्च करते, एक मैंने बनाया है QR कोड, यहाँ डाउनलोड्स पे जाते हैं हम लोग, और देखिए यहाँ पे एक QR कोड मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है. ठीक है, इसको ओपन करेंगे जैसे ही, तो देखिए क्या होता है. ठीक है, चलिए इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं, तो देखिए QR कोड ओपन हो गया आपका. ठीक है, इसी तरह आप और भी नेक्स्ट इमेज का या जो भी आप बनाओगे उसका QR कोड जनरेट कर सकते हैं. तो चलिए हम लोग पहले एक जनरेट करके देखते हैं. तो सबसे पहले मान लो मुझे अपने YouTube चैनल जो टेक्निकल आसिफ है उसका QR कोड बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरा जो चैनल है उसको हम सर्च कर लेते हैं. ठीक है, जैसे यूट्यूब पर मैंने सर्च किया. ठीक है, सर्च करने के बाद अब क्या करना होगा, यूट्यूब को हम लोग ओपन कर लेते हैं. YouTube ओपन होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, मेरा जो चैनल है उस चैनल पे हम लोग जाएंगे टेक्निकल आसिफ में. ठीक है, यहाँ पे आप चाहो चैनल का नेम सर्च कर लो या डायरेक्ट आपको तो मिल ही जाएगा, टेक्निकल आसिफ में गए. एक्चुअली हम लोग को लिंक कॉपी करना है इसीलिए हम लोग खोल रहे हैं इसको. ये देखिए आ गया है मेरा चैनल, इस पर क्लिक कर लीजिए. अब ये देखिए मेरे चैनल का लिंक यहाँ आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करो और ये URL को कॉपी कर लो. कॉपी करने के बाद QR कोड में जाएंगे, और ये जो वेबसाइट लिंक है यहाँ पे हम वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप अपना जो URL है आपका YouTube चैनल का उसको पेस्ट करो. जैसे ही आप पेस्ट करोगे देखा आपका URL कोड यहाँ पे बन के आ गया. ठीक है, आप इसको यहाँ से आप क्या करेंगे, डाउनलोड भी कर सकते हैं. इम्बेड मतलब वो डायरेक्ट इम्बेड कर देगा आपके चैनल, तो आपको यहाँ पर करना कुछ नहीं है, डाउनलोड पर क्लिक करना है. डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुल के आएगा डाउनलोड QR कोड. यहाँ इसका साइज 400 है बाय डिफ़ॉल्ट, आप 400 रहने तो बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, इसको 400 ही हम लोग रहने देते हैं. और इसको आप सेव कर लो, JPG में भी कर सकते हो, PNG में भी, तो हम लोग JPG में क्लिक करके इसको सेव करते हैं. जैसे इस पर क्लिक करोगे देखो यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया. अब इस डाउनलोड पर हम लोग क्लिक करते हैं. ठीक है, यहाँ पर खोलते हैं फाइल को. ये देखिए आ गया खुल करके फाइल, ये देखिए आ गया आपका फाइल QR कोड. इसका व्यू अगर हम लोग चाहें तो देख सकते हैं, एक मिनट अभी दिखा देते हैं आप लोग को. देखिए लार्ज आइकन में आपको कोड का व्यू दिख रहा है, इसको हम लोग रीनेम भी कर सकते हैं. ये देखिए ये आपका QR कोड जो है बनके तैयार हो गया.
ठीक है। ये आपका QR कोड है जो बन के तैयार हो गया है, इसको ओपन करके अब आप क्या कर सकते हो, इजिली स्कैन कर सकते हो इस QR कोड को। ठीक है, थोड़ा नेट मेरा स्लो है मशीन, इसीलिए डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ये आपका QR कोड है, अब इसको आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। ठीक है, कैसे सर्च करोगे, तो यहाँ पे आप जाएंगे और गूगल को हम लोग ओपन करते हैं, google.com। अब उसको हम लोग यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, google.com पे गए हम लोग और यहाँ पे देखिए इमेजेस के द्वारा सर्च करना, तो सर्च बाय इमेज में गए हम लोग, यहाँ पे अपलोड आ इमेज, अपलोड पे क्लिक किए हम लोग। यहाँ देखिए QR कोड वन है, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसके बाद इसको ओपन कर देंगे। ठीक है, फाइंड इमेज सोर्स बोल रहा है या वेबसाइट पे जाने बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको खुल के मिल जाएगा। अभी देखिए यहाँ मेरा YouTube चैनल का पूरा लिंक आ गया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आप वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट मेरा YouTube का चैनल में आप चले जाओगे, या इसको आप मोबाइल पे डायरेक्ट, ये जो QR कोड देख रहा है इसको मोबाइल से आप अभी तुरंत डायरेक्ट स्कैन कीजिए। देखिए आप मेरे YouTube चैनल यहाँ पे पहुँच जाओगे डायरेक्ट। ठीक है, ये वाले लिंक पे, और अगर सिस्टम में करोगे तो आपको एक बार यहाँ वेबसाइट पे क्लिक करना और देखिए आपका मेरा जो YouTube चैनल है वहाँ पे डायरेक्ट आपको खुलना हो जाएगा, खुल जाएगा। ये देखिए आ गया, और मोबाइल से करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे खुल जाएगा ये जो पॉइंट है, और ये भी डायरेक्ट खुल जाएगा मोबाइल से। ठीक है, और गूगल लेंस सर्च में करोगे तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। तो ये मैंने बताया कि मैं अपने YouTube चैनल का लिंक QR कोड के थ्रू किस तरह से मैंने बनाया। ठीक है, अब चलिए कुछ और हम लोग ट्राई करते हैं QR कोड में। इसको क्लोज कर दीजिए, ये आएगा, इसको भी क्लोज कर दीजिए। चलिए कोई मैसेज हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यहाँ टेक्स्ट पे जाते हैं, अब यहाँ पे हम लिखते हैं कोई बर्थडे विश को क्या करना, जैसे आप अपने कोई फ्रेंड को सरप्राइज़ QR कोड भेजना चाहते हैं, और QR कोड जैसे ही वो स्कैन करेगा ना तो उसको दिख जाएगा कि आप उसको क्या बोले, हैप्पी बर्थडे। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको लिखना होगा हैप्पी बर्थडे। देखिए जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे वैसे राइट साइड में आपको दिख रहा है कि इसका QR जनरेट हो रहा है ना। देखिए राइट साइड में लोडिंग लिखता है, QR जनरेट, हैप्पी बर्थडे माई फ्रेंड। आप कुछ भी लिख दो जो आपको अच्छा लगता है, माई फ्रेंड आकाश, अमित, अनुज, जो भी आपका नाम हो आपके फ्रेंड का, लिख दिए हम लोग। अब देखिए लाइव प्रीव्यू आपको दिखा रहा है ना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दिखा रहा है, और ये आपका हैप्पी बर्थडे माई फ्रेंड अनुज, मतलब कि ये जो टेक्स्ट है उसके लिए ये QR कोड है। आप इस QR कोड को कोई भी स्कैन करेगा, ये वाला QR कोड जो लाइव प्रीव्यू के नीचे दिया हुआ है, इस QR कोड को कोई भी यूज करेगा तो आपको उसको उसको क्या मैसेज मिलेगा, हैप्पी बर्थडे माई फ्रेंड अनुज, मतलब इनक्रिप्टेड फॉर्म में, QR कोड में के फॉर्म में आप अपने दोस्त को क्या भेज सकते हो, आप अपने दोस्त को बर्थडे विश कर सकते हो, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी टेक्स्ट आप चाहते हो वो भेज सकते हो QR कोड के फॉर्म में। चलिए इसको हम लोग डाउनलोड करके इसको भी स्कैन करके देखेंगे। अभी ये डाउनलोड कर लेते हैं, इसको PNG या JPG दोनों में कर सकते हैं, हम JPG भी कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए JPG हमारा यहाँ देखिए डाउनलोड हो गया। ये देखिए ये आपका ये वाला कोड है ना, बर्थडे विशेष वाला QR कोड 2 है। ओके, चलिए अब हम लोग इसको भी स्कैन करके देखेंगे। ठीक है, चलिए स्कैन किया जाए, अब बैक कर लेते हैं गूगल लेंस में, और ये देखिए यहाँ सर्च बाय इमेज पे क्लिक करना है, अपलोड फाइल में जाना है चेक करने के लिए, और ये देखिए QR कोड 2 नाम से था, इस पर क्लिक करना है, ओपन कर देना है। ओपन करने पे देखिए आ गया, जैसे स्कैन किया तो हैप्पी बर्थडे माय फ्रेंड अनुज है ना, आप इसको अभी तुरंत अपने मोबाइल से स्कैन करो, देखो हैप्पी बर्थडे माय फ्रेंड अनुज आ जाएगा। आपको लगता है कि नहीं सर हम अपना हिसाब से बनाएंगे, तो आप अपने हिसाब से बनाओ, जितना बनाना चाहते हो बनाते रहो, QR कोड जनरेट करो, आप अपना एड्रेस का, अपना नेम का है ना, सब का QR कोड जनरेट यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ये वाला आएगा तो इसको क्रॉस कर देना, अगर आपको मन है कोई लोगो लगाने का यहाँ पे तो लोगो भी लगा सकते हो ये क्लिक करके, है ना। ठीक है, आप मोबाइल नंबर का QR कोड, आप वाईफाई का पासवर्ड लगाना चाहते हो तो वाईफाई का पासवर्ड को भी लगा सकते हो यहाँ से। ठीक है, फ़ोन नंबर को आप QR कोड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, +91 जो भी कंट्री का कोड है, उसके बाद जो भी 1234 जो भी नंबर है उसको लिख दीजिए यहाँ पे, देखिए QR कोड उसका आ चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपको लोकेशन का बनाना, आप लोकेशन का भी यहाँ पे देखिए बना सकते हो QR कोड। आप यहाँ पे इमोजीज़ है, इमोजीज़ का बनाना चाहते हो तो इमोजीज़ का भी बन जाएगा।
इवेंट बनाना चाहते हो, कोई भी डिस्क्रिप्शन का इवेंट है, जैसे मान लो मैरिज एनिवर्सरी है, मैरिज पार्टी है, कुछ भी पार्टी फंक्शन है, ठीक है। अब इसको आप डेट देना चाहते हो, मान लो 25 अप्रैल से लेकर के और 29 अप्रैल तक। देखिए इसका कोड आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे बस जाना है, डाउनलोड पे क्लिक कर देना। डाउनलोड पे क्लिक करोगे और यहाँ जेपीजी पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे देखो आ गया है QR Code 3 आ गया। आप इसको रीनेम कर सकते हो, फिर इसको भी सर्च करके आप देख लो, इसको भी सर्च करके आप देख लीजिए, इसको भी सर्च करके देख लीजिए आप। चलिए इसको भी हम लोग सर्च करके देख ही लेते हैं कि आपका वो मैरिज वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए सर्च बाय इमेज में जाइए और अपलोड अ फाइल में जाइए, है ना। अपलोड अ फाइल में जाने के बाद QR Code 3 में और ओपन कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए आ गया ना मैरिज 25 अप्रैल से, जो भी है वट एवर जो भी आपका होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे शो ऑफ कर देगा। एक और तरीका है आपको QR कोड जनरेटर के लिए, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप को लिखना है गूगल में जा कर के, ठीक है, गूगल में जाना है और आपको लिखना है, ठीक है, गूगल में जाते हैं हम लोग। एक और तरीका देख लीजिए थोड़ा कलरफुल के लिए, QR कोड जनरेटर। जैसे ही क्लिक करोगे पहला कोड आ गया, इसको क्लिक कर देना पहला लिंक में। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने वेबसाइट का URL आपको लिखना है, तो यहाँ पे हम कॉपी कर लिए वेबसाइट या फिर मेरा YouTube चैनल का और यहाँ पे हम पेस्ट कर लिए, आ गया। अब देखिए यहाँ थोड़ा कलरफुल अगर चाहिए तो इस पर क्लिक करोगे तो कलरफुल आपका आ जाएगा, है ना, इस तरह से, ठीक है। या आप कुछ और बनाना चाहते हो, मान लो हम सिर्फ अपना नाम लिखना चाहते हैं तो नाम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ जैसे प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट पे कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ये प्लेन टेक्स्ट पे कर लेते हैं, ओके। एक बार फिर से देख लीजिएगा, हैंग कर गया था थोड़ा। जहाँ पे मान लो टेक्स्ट पे जाना है आपको, टेक्स्ट पे जा सकते हो, यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक्निकल। ये देखिए इसका आ गया कोड। अब इसमें आप चाहते हो कि कुछ अलग टाइप का इस तरह का, तो भी आप जनरेट कर सकते हो कलर में, ठीक है ना। डिफरेंट सॉरी URL में मैंने कर दिया था, प्लेन टेक्स्ट पे होगा, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट आप टाइप करोगे, यहाँ से भी आप जनरेट कर सकते हो QR कोड फ्री में। कोई भी नंबर का देख लेते हैं एक बार हम लोग, 1 2 3 4 5 देखिए आ गया इसका, है ना। इस तरह से भी आप कर सकते हो। यहाँ ये भी एक साइट है QR कोड जनरेटर का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आ गया, इसको डाउनलोड कर लो। ये हम लोग लिंक डालें, इसको भी डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से। और किस में करना, PNG में, JPG में, जो भी आपको करना है आप उसमें सेव कर सकते हैं, ठीक है। PNG में ये बोल रहा है, PNG में कर लीजिए डाउनलोड। यहाँ पे नाम लिख लेते हैं हम लोग, सपोज ये अपना नाम लिख लेते हैं, ये लिख करके और डाउनलोड पे क्लिक कर। ये अनदर साइट है जिससे हम लोग और एक QR कोड बना सकते हैं। सर्च पे जाइए, देखिए मेरा आ गया नाम टेक्निकल आसिफ। अब सर्च बार पे जाना है और गूगल वाले एडसेंस पे जाते हैं हम। ये देखिए गूगल का सर्च बार इमेज में गए, अपलोड अ फाइल में गए। देखिए अभी हम लोग QR कोड जनरेटर वेबसाइट से कर रहे हैं, ठीक है। टेक्निकल आसिफ लिखे, सेलेक्ट किए QR कोड उसका, ओपन किए, देखिए आ गया। थोड़ा टाइम लगता है, आ जाएगा मोबाइल से। अभी इसको आप स्कैन करोगे मेरे चैनल पे डायरेक्ट चले जाओगे, ठीक है ना। मोबाइल से अगर अभी भी इसको स्कैन आप करो तुरंत, देखो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑटोमेटिक यू कैन रीच दैट वेबसाइट ऑटोमेटिक। थोड़ा नेट मेरा स्लो है इसीलिए ऐसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ से कर लेना है आपको,
ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करेंगे और ये इमेज आपका डाउनलोड होगा और हो जाएगा। एक बार इसको ट्राई कर लेना, इसमें भी हो जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर लें। फॉर मोर वीडियो लॉग इन टू सॉरी सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल। अच्छा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।